हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। डिवाइन फैमिली, अगर आपका मन कर रहा है कोई प्लेस चेंज करने का, अगर आपका मन कर रहा है अपनी सिटी चेंज करने का, अगर आपका मन कर रहा है कोई स्पेशल मेडिटेशन करने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में आपके लिए एक मैसेज है जो डिवाइन की तरफ से है, तो इसीलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस डिवाइन फैमिली के साथ हुआ है वो चीज़ें आपके लिए भी है, इसलिए पूरे वीडियो को सुनना ज़रूरी है। और सुनने के बाद आपके लिए क्या मैसेज है उसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अभी इस वक्त छोड़ रहे हैं और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हम पीछे छूट रहे हैं अपने सोल पर्पज़ के लिए या अपने मिशन या अपने रीयूनियन के लिए। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है। और जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी इस वीडियो में उसको फॉलो जरूर करना है। तो ब्लेसिंग दीजिए डिवाइन फैमिली को। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हाय दी, नमस्ते, राधे राधे। एक छोटा सा सोल पर्पस करना चाह रही हूँ मैं अपना आपके थ्रू। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मुझसे ये बोला गया कि अपना शहर बदलो, और कोई प्लानिंग कुछ नहीं थी, अचानक से मेरा शहर बदल गया। भगवान जी ने रास्ता भी खोल दिया फिज़िकल वर्ल्ड में शहर बदलने का। और उसके बाद मैं यहाँ आई, थोड़े दिन थोड़ा सा परेशान रही, सब हुआ, धीरे धीरे मेडिटेशन करने लगी। बीच में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, ऐसा लगा कि यहाँ रहूँ या वापस चली जाऊँ। तो मैंने फिर आराम से ध्यान लगा के भगवान से पूछा कि मैं क्या करूँ। तो भगवान जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये शहर छोड़ के नहीं जाना है, यहाँ पे कुछ बड़ा, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने उनकी बात मान ली और मैं शहर छोड़ के नहीं गई। मैंने कहा कि अब जब मुसीबतें आ रही हैं तो फिर मुसीबतों से निकालने का काम भी तुम्हारा ही है, और अगर तुम मुझे इस शहर में रख रहे हो तो यहाँ कैसे क्या होगा, ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। और ये सोच सोच के मैं शांत थी। मैं फिर थोड़े दिन पहले, अभी हफ्ते भर पहले, भगवान जी ने मेरा घर बदलवा दिया। जहाँ मैं रह रही थी वो रेंट वाला घर ही बदलवा दिया। और मैं यहाँ जहाँ आई हूँ ना, ये जो मेरी लैंड लेडी हैं ये बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही आध्यात्मिक और पूजा पाठ वाली और बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की हैं। अब इस बार फुल मून पे पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार कह रहा था कि मैं ग्रिड का मेडिटेशन करूं, और मैं उस दिन नहीं कर पाई, मैं परसों भी नहीं कर पाई, पर कल मेरे को पता नहीं क्या हुआ और मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेडिटेशन करना ही है। तो मैं अपनी दरी लेके ऊपर छत पे चली गई और चांद की रोशनी और तारों की चादर के नीचे बैठ के मैंने मदर अर्थ की ग्रिड के रिपेयर का मेडिटेशन किया। उसी समय आंटी छत पे आ गई, उनने मुझसे बातचीत की और वो फिर थोड़ी देर हंसी खेल की, मजाक की, आराम की बातें कर कर आके नीचे चली गई। उसके बाद उन्होंने, अभी आज जब मैं घर ऑफिस से लंच के लिए वापस आई हूँ, तो वो मुझे बता रही थी कि जब वो मुझसे बात करके गई हैं नीचे, उसके बाद उनको उनकी अपने आप ही आंखें बंद हो गई, और उनकी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी कल, और उनको अच्छा से महसूस होने लगा। और उनको, उनके सामने आंखें बंद होने के बाद उनके सामने भगवान जी ने अपनी छवि दिखाना शुरू कर दी, और वो छवि उनकी लाइट के फॉर्म में बन रही थी। तो वही वो बता रही थी कि एकदम सफ़ेद रोशनी की तरह वो छवि उनको दिख रही थी, और एकदम सफ़ेद चमकती हुई उनको भगवान जी की आँखें दिखी। और अभी जब मैं उनसे बात करके आई और उन्होंने ये चीज़ कही कि उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था अंदर से, तो मैं समझ गई कि भगवान जी यहाँ पे मुझसे क्या करवाना चाह रहे हैं। और मेरी एक छोटी सी गुजारिश है सारी DF से ही कि अगर उनका मन कह रहा है कि उनको कहीं जाना है तो वो ना रोकें, या कोई स्पेसिफिक मेडिटेशन है जो उनको करना है उसको भी ना रोकें। हो सकता है कि भगवान जी हम लोगों के थ्रू, जैसे मेरे थ्रू यहाँ पे यहाँ के घर वालों को हीलिंग दिलवा रहे हैं। हो सकता है हम, क्योंकि हम तो एक इंस्ट्रूमेंट ही हैं और भगवान का ही इंस्ट्रूमेंट है, हो सकता है कि भगवान हमें वो निमित्त बना के बाकी किसी DF को भी वो निमित्त बना के यही काम करवाना चाह रहे हैं। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांगली मेरे को ये आया कि मैं ये बोलूं कि कोई भी अगर कहीं किसी के जाने का मन कर रहा है, या कहीं पर ऐसा हो रहा है कि नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें, पर फिर भी ये हो रहा है कि
ये शहर बदलना है या जगह बदलनी है तो बदल लें, क्योंकि इसके पीछे भगवान का कुछ बड़ा रीज़न है और बस यही है, और भगवान की इच्छा समझ के उस काम को करते जाएं, और यही मेरा छोटा सा सोल पर्पज़ है। थैंक यू सो मच दी। राधे राधे।